नमस्कार, पब्लिक टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें सबसे पहले मिल पाए। जी हां, आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार की बड़ी योजनाओं के बारे में। आखिर मोदी सरकार ने जो है मोबाइल की बढ़ती हुई टैरिफ प्लान को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। आखिर नई साल से आपको जियो समेत सभी ऑपरेटर के टैरिफ प्लान होंगे सस्ते। आखिर कितने सस्ते होने वाले हैं आपको बताने वाले हैं। अगर आप जियो का नेटवर्क यूज करते हैं तो आपको बता दें कि जियो की सिम यूज करने वालों के लिए काफी बड़ी खुशी की खबर है कि जियो अपने प्लान जो नए साल पे 100 से लेके जो है लगभग आपको 20% जो है डिस्काउंट दे सकते हैं। यानी 20% की बात की जाए, अगर आपके पास 500 रुपए का प्लान है तो आपके प्लान के अंदर 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको बता दें कि हर रिचार्ज पे आपको 20% अतिरिक्त कैशबैक या डिस्काउंट की तरफ पे जो दिया जाएगा। यही जो है ऑफर आपको एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया में मिल सकता है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी खबरों को नजर डालते हैं। आपको बता दें कि कच्चे तेल में तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ, जी हाँ, नए साल पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल में तेजी आ चुकी है। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 28 दिनों के बाद स्वस्थ होकर घर लौटी लता मंगेशकर। जी हाँ, आपको बता दें कि मशहूर सिंगर लता मंगेशकर 28 दिनों के बाद स्वस्थ होकर आज घर लौटी है। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था को प्रभावी तरीके से कायम रखे पुलिस पीएम मोदी। जी हाँ, पीएम मोदी ने पुलिस को वार्निंग दी है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखे या उसको प्रभावी तरीके से कायम रखे। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत पर लगाया जाए बैन, महाराजा सूरजमल के वसंत की मांग। जी हाँ, आपको बता दें कि पानीपत मूवी बॉक्स ऑफिस में चल रही है, जिसको जो है युद्ध को लेके, जब मूवी को लेके महाराजा सूरजमल के वसंत ने इस पे बैन लगाने की बात कही है। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कल लोकसभा में पेश होगा नागरिकता संशोधन बिल, पूर्वोत्तर सहित पूरे देश में विरोध जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल पे पूरे देश के अंदर विरोध जारी है। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार की नीतियों पे राजन ने सरकार को खरी खोटी सुनाई है कि मूर्तियां नहीं बल्कि स्कूल बनवाए भारत। आपको बता दें कि मूर्तियां नहीं स्कूल बनवाए सरकार को लेके राजन काफी जो विचारित नजर आए और उन्होंने सरकार को खरी खोटी सुनाई है। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली अग्निकांड, यानी दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्री के अंदर आग लगी है उसके खिलाफ फैक्ट्री मालिक और जो है मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का मामला भी उन पर दर्ज कराया गया, क्योंकि गैर कानूनी चल रही थी फैक्ट्री। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर, डीजीपी आईजी सम्मेलन में पहुंचे मोदी, सोरी से भी की मुलाकात। जी हाँ, अगले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि रसोई के तड़के से गायब हुआ प्याज, प्याज के दाम बढ़ने से लोग रसोई में प्याज लाने से मना कर रहे हैं, प्याज के रेट नए साल से डाउन हो सकते हैं। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि विकास में सुस्ती से शेयर बाजार काफी नीचे गिर चुका है, शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है। आपको बता दें कि शेयर बाजार काम करने वालों के लिए काफी बड़ी बुरी खबर है कि शेयर बाजार काफी दिनों तक डाउन रहेगा। जी हाँ, ये थी देश भर की बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें सबसे पहले मिल पाए।